असल क्या चल है दोस्तों सब ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह ताला का करम शुक्र फजल सब खैरियत है एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है हमारे इलाके में नहीं बल्कि बहुत सारे इलाके में पाकिस्तान के पंजाब भर में यही छः मगोयां हो रही हैं गवर्नमेंट ने आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने आज से कुछ माह पहले गंदम अभी सबस थी अभी गंदम पकी भी नहीं थी लेकिन उसकी जो प्राइस हैं वो तय कर दी हुई थी बाईस सौ रुपया पाकिस्तान के अंदर जो गंदम का रेट था वो अनाउंस कर दिया गया था हर बंदा हर फार्मर जो था हर जिम्मेदार जो था वो इस के ऊपर जो था काफ़ी हद तक खुश था अब पिछले दिनों जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जैसे ही हुकूमत जो है या वो माजूल हुए हैं तो गंदम भी सर पे आ गई थी गंदम की कटाई शुरू हुई गंदम की थ्रैशरें लगी गंदम लोगों के घरों में जो थी ए, वो आ गई अब होता है जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो गंदम को सेल आउट करने का होता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना जदीद लोगों के पास इतनी सहूलियत नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं जो बने हुए सेंटर्स होते हैं ख़रीदो फरोख्त के गंदम के या गोदाम आप उन्हें कह लें तो वहां तक वो अपनी गंदम को ले जाएं अपनी इजनास को ले जाए चावल है गंदम है बाजरा है मकई है जो भी है तो पाकिस्तान अभी इस ज़रात एग्री में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पीछे है ए, लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपनी गंदम को ख़ुद उन सेंटर्स पे ले जा सकें और जो गवर्नमेंट के ए, सही वाले रेट हैं जो गवर्नमेंट की ए, जो प्राइस होती है उसके हिसाब से उसे सेल आउट कर सके। तो आ जाके ये होता है कि व्यापारियों के बस में आ जाते हैं हमारे जितने भी फार्मर्स हैं अब व्यापारी जो होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बाईस सौ रुपया रेट तय है और हकूमत की तरफ से है लेकिन हमारे इलाके में जो है जी अंधेर नगरी है ए सीधी सादी है ये जो किसान होता है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको तरह तरह से ब्लैक मेल किया जाता है जी ये गंदम का रेट जो है वो डेढ़ सौ दो सौ रुपये जो है वो लेस हो गया है अगर आप अभी दो चार दिन में हमें गंदम नहीं देते हो तो आपकी गंदम जो है तीन चार सौ रुपये जो है वो भी डाउन हो सकती है तो ए, किसान भाई जो थे जो कि बहुत ज़्यादा रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे साफ जाहिर है कि जब गंदम की काश का टाइम था तो उन्होंने जो खादें थी वो उन्होंने ली ऑलमोस्ट नौ हज़ार दस हज़ार डी जो कि हमेशा ए, जब हम कोई भी काश करते हैं फसल तो नीचे वाली जो खाद उसे बोला जाता है ये डी का रेट जो था काफ़ी हाई फाई था तो जब बाईस सौ रुपये पर मन के हिसाब से ए, रेट अनाउंस किया गया तो फार्मर बहुत ज़्यादा खुश थे किसान बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन किसानों को ये खुशी जो है वो ज़्यादा राश नहीं आई है व्यापारियों ने उनके साथ धोखादही शुरू कर दी है गवर्नमेंट को हमेशा अपना वादा निभाना चाहिए यानी रिट कायम करनी चाहिए गवर्नमेंट को ए, जो अनाउंस करती है वो प्राइस लिस्ट होती है उनकी उसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद करवाना चाहिए ए, हमारे यहाँ जट लोग जो होते हैं बिल्कुल सादा लोग होते हैं उनको व्यापारी जो होते हैं तरह तरह से ब्लैकमेल करते हैं उनसे एक किस्म की वो ख़रीदी नहीं जाती बल्कि वो छीनी जाती है साफ जाहिर है कि एक चीज़ का रेट जो है वो दो हज़ार दो सौ रुपये है और आप उससे दो हज़ार में लेके जा रहे हो या दो हज़ार पचास में लेके जा रहे हो तो ये डाका से कम नहीं है ये चोरी से कम नहीं है तो ये सारी चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली ये हर साल ऐसा ही होता है और कोई भी हुकूमत रही है इस्पेशली हम किसी भी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं लेंगे लेकिन कोई भी हुकूमत रही है तो इस चीज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं कर सके हैं अब ये क्या होता है कि जो ज़िम्मेदार है उसके पास एक रा, ए, राइट है हक है कि वो अपनी जिनस जो होती है इजनास जो होती है उनको रोक ले अब जब वो रोकता है कि मैं अभी नहीं सेल करता हूँ जैसे प्राइस ठीक होगी या गवर्नमेंट की प्राइस के मुताबिक जो चीज़ है मैं तब सेल करूँगा तो तभी उसको नहीं जीने देती फिर गवर्नमेंट जो है उसे ब्लैकमेल करती है और इवन के उनकी जो गंदम या उनकी जो भी इजनास होती है उनके ऊपर छापे और उनको फिर ज़ख़ीरांदोजी का एक्ट लगना और उनकी चीज़ों को नीलाम करना तो ये हर तरफ से जो पिस्ता है वो किसान पिस्ता है हर तरफ़ से जो पिस्ता है वो फार्मर पिस रहा है तो ए, हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें किसान को जो होते हैं बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं उसे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है ज़रअी आलाद कह लें आप ज़रूरी मसनवाद कह लें आप खाद स्प्रे कह लें आप जो बिजली की बिलिंग्स होती है ट्यूब की बिलिंग होती है उन सब में रिलीफ़ मिलता है वहाँ का किसान बहुत ज़्यादा खुश है और हमारे यहाँ ये सादा लोग जो लोग हैं ये अपनी इजनास को उगाते हैं बहुत मशक्कत करते हैं लेकिन जब इनके बेचने का टाइम आता है इनके बेचने की बारी आती है तो इनके पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं तो आज यही चीज़ मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा लोगों से बात हो रही थी तो सबका यही था सब यही चीज़ ये कह रहे थे कि हमारे साथ नासाफी है हमारे साथ ये ज़्यादती है तो आपके इलाके में गंदम का रेट क्या है क्या गंदम जो है आपके इलाके में सही रेट पर बिक रही है या नहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन शाला बहुत जल्द एक प्यारी सी वीडियो में बहुत ही खूबसूरत से विलॉक में दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी के बाद